जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे संदीप उन्नीकृष्णन नाम का एक लड़का बना मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। क्या आपको पता है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब कारगिल के ऑपरेशन विजय में भी इन्वॉल्व थे? तो उनकी पूरी मिलिट्री कैरियर में उन्होंने क्या क्या किया है वो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। एक आम इंसान से इंडियन आर्मी की फौजी, इंडियन आर्मी के फौजी से एनएसजी कमांडो और अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान देने की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म 15 मार्च 1977 में केरला में हुआ और बचपन से ही फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना लेकर के वो 1995 में एनडीए ज्वाइन करते हैं। तब वो मात्र 18 साल के थे और एनडीए में वो ऑस्कर स्क्वाडन का हिस्सा बनते हैं। एनडीए में ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वो आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं। आईएमए में वो 104 रेगुलर कोर्स का हिस्सा थे और फाइनली 12 जून 1999 को संदीप साहब आईएमए से ग्रेजुएट होकर के इंडियन आर्मी के बिहार रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं। बिहार रेजिमेंट में वो 7वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट बनते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि लेफ्टिनेंट संदीप उन्नीकृष्णन कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय में भी एक्टिवली काम किए थे। ये समय था जब बिहार रेजिमेंट को कारगिल में डिप्लॉय किया गया था, तो वहां पर एक फॉरवर्ड पोस्ट पे तैनात किया गया था लेफ्टिनेंट संदीप उन्नीकृष्णन साहब को, और उनका पोस्ट दुश्मन के पोजीशन से थोड़ा दूर था और उनके पोस्ट के ऊपर भारी मात्रा में आर्टिलरी फायर किया जा रहा था और भारी मात्रा में मशीन गन्स पाकिस्तानियों के ओर से उनके पोस्ट के ऊपर फायर किया जा रहा था। इतनी भारी गोलाबारी और अटैक के बावजूद लेफ्टिनेंट संदीप उन्नीकृष्णन अपने 6 सोल्जर्स की एक छोटी सी टीम को कमांड करते हुए आगे बढ़ते हुए दुश्मन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर उन्होंने एक पोस्ट बना दिया। ये पोस्ट बाद में दुश्मन के ऊपर फायर करने में इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा मदद की। कारगिल युद्ध के बाद 12 जून 2003 को वो लेफ्टिनेंट से बनते हैं कैप्टन संदीप उन्नीकृष्णन। प्रमोशन होने के बाद 13 जून 2005 को उन्हें बलगाम भेजा जाता है कमांडो कोर्स के लिए। क्योंकि वो इन्फेंट्री से थे इसीलिए घातक कमांडो कोर्स करना मैंडेटरी था और अपने घातक कमांडो कोर्स में उन्होंने 2 बार टॉप किया, इसलिए उन्हें इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग और कमेंडेशन भी मिला है। घातक कमांडो कोर्स के बाद उन्हें हॉस भेजा गया यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो कि गुलमार्ग में स्थित है। गुलमार्ग में ट्रेनिंग लेने के बाद संदीप उन्नीकृष्णन साहब सियाचिन और जम्मू कश्मीर में भी ड्यूटी किया। इसके अलावा भी डिफरेंट टेरेंस जैसे कि गुजरात, राजस्थान, हैदराबाद में भी उन्होंने ड्यूटी किया है। फिर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एनएसजी ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं और एनएसजी की ट्रेनिंग को बकायदा कंप्लीट करने के बाद वो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के कमांडो बनते हैं। एनएसजी की ट्रेनिंग में उनकी परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन था कि उन्हें 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के ट्रेनिंग ऑफिसर बना दिया गया और जनवरी 2007 से वो एनएसजी के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को ट्रेनिंग देते रहे। जब 26 नवंबर मुंबई के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया तो एनएसजी की टीम जब तैयार हो रही थी उस वक्त पर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपने बॉयज को रेडी करने में लगा हुआ था। वैसे तो ट्रेनिंग ऑफिसर्स को ऑपरेशंस में भेजा नहीं जाता है, लेकिन उस दिन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपने सीओ कर्नल सुनील शरण साहब को कन्विंस करके ताज में पहुंचते हैं और जबरदस्त ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक हॉस्टेज को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए ताज में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन स्टेयरकेस पकड़कर अकेले ही ऊपर आतंकवादियों के और लोहा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वो पहुंच तो जाते हैं लेकिन ऊपर एक से ज्यादा आतंकवादी थे जो मेजर साहब के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी अपने साहस, ट्रेनिंग और बलिदान देने की जज्बा और जुनून से वो अकेले ही कई समय तक उन आतंकवादियों से लड़ते रहे। आतंकवादी को यह लग रहा था शायद एक से ज्यादा कमांडोज है। वो चारों दिशा से अपने ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए इतनी बेहतरीन तरीके से फायरिंग कर रहे थे कि एक के बाद एक आतंकवादियों को उन्होंने ढेर कर दिया और इस ऑपरेशन में उनको कई गोलियां लग जाती है। नीचे से जब सीओ साहब पूछते हैं कि आपको क्या बैकअप फोर्स चाहिए और कमांडोज हम ऊपर भेजे क्या, हम क्या टीम लेकर के ऊपर आए, तो उनका आखिरी शब्द था डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। अपने शरीर के आखिरी सांस तक वो फायर करते रहे और धीरे धीरे रणभूमि पर ही वीर गति को स्वीकार करते हैं। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। मेजर साहब के अलावा भी एनएसजी कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह, सीनियर इंस्पेक्टर शशांक शिंदे, सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले, इंस्पेक्टर विजय सालास्कर, एसी अशोक कांबले, जूनियर कमिश्नर हेमंत करकरे साहब भी इसी ऑपरेशन में शहीद हो गए। एनएसजी की ओर से मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और हवलदार गजेंद्र सिंह साहब को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया जो कि हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। आशा करता हूं एक आम घर के इंसान से एक एनएसजी कमांडो बनने की जर्नी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन से आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।